गुड टाइम सो फार आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे आज के सेशन में हम जेंडर बजटिंग जो जेंडर बजट है इससे रिलेटेड सेशन को करने वाले हैं और ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर टू दैट इज जो वेमेन जो महिलाओं से रिलेटेड जो इशूज हैं साथ ही में जीएस पेपर थ्री दैट इज गवर्नमेंट बजट जो इकोनॉमी है उसके संदर्भ में ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो जेंडर बजट 2024-25 क्या है? इज इट अ पार्ट ऑफ बजट और नॉट क्या ये टर्म जेंडर बजटिंग मीन करती है? क्या मतलब है इसका सारी चीजें आज के हम इस सेशन में कवर करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये न्यूज में क्यों रहा है न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि 24-25 का जो बजट पेश हुआ है उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण के से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन पे काफी जोर दिया गया है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो तीन लाख करोड़ तक का यहां पर पहुंच चुका है और ये हमारी जीडीपी का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक परसेंट यू नो जो जीडीपी है हमारे उसका एक परसेंट अलोकेशन जेंडर बजट में दिया गया है तो ये जेंडर बजट है क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है क्या चैलेंजेस हैं ये इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे देखिए तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को विमेन के लिए ऑपरेट करती है जो बोल सकते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक बजट एलोकेट होता है ये उस प्रकार का बोल सकते हैं एक व्यवस्था या इस प्रकार की सिस्टम होती है जहाँ पर महिलाओं के लिए या विमेन की ग्रोथ के लिए उनकी विकास के लिए कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं प्रोग्राम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाते हैं जिनसे हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्टर में वेमेन्स का इंक्लूजन बढ़े तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है तो सीधी सीधी सी बात है कि इस प्रकार की व्यवस्था होना जिसमें बोल सकते हैं कि महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में डेवलपमेंट के कोर सेक्टर्स में शामिल करने का एक प्रयास किया जाता है थ्रू दिस बजट एलोकेशन तो ये तो है आपका जेंडर बजटिंग की डेफिनेशन भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में जो इंट्रोडक्शन हुआ है जेंडर बजट का वो हुँ दो हजार के बजट इंप्लीमेंटेशन के बाद हुआ है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन यहाँ पर बोल सकते हैं लेड करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दैट वाज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जो नोडल एजेंसी है बोल सकते हैं जो कोर मुख्य एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर दिस प्रोग्राम अब इसी चीज को ऑपरेट करने के लिए लागू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है बजटरी अलॉटमेंट किया है तीन ग्रुप्स के अंदर अभी तक इस बजट से पहले दो ही ग्रुप्स थे दैट इज पार्ट ए और पार्ट बी अब तीसरा एक पार्ट सी भी इस बजट के तहत आया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो बजट 2024 25 में जेंडर बजट में काफी इंक्रीमेंट किया गया है अगर हम बात करें तो यहां पर जो बजट एलोकेशन है वो अब तीन भागों में होने लगा जैसे कि पहले पार्ट ए में अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर 100 प्रतिशत मतलब पूरी तरह से 100 प्रतिशत जो फंड होगा वो महिला विशिष्ट योजना मतलब वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए होगा पार्ट की बी के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पर 30 परसेंट से ज़्यादा बजट बोल सकते हैं यहाँ पर 100 परसेंट से कम फंडिंग और 30 परसेंट से ज्यादा इसके बीच में यहां पर बजट मतलब अलोकेशन होगा फंड्स का परसेंट यू नो महिला जितने भी सपोर्टिंग वुमेन सपोर्टिंग जितनी भी स्कीम्स है उनके लिए यहाँ पर पार्ट बी में अलोकेशन होगा और इसी साल पार्ट सी भी इंक्लूड हुआ है पार्ट सी में

अगर अब हम बात करते हैं कि क्या हाइलाइट्स हैं इस बार के जो आपका जेंडर बजट स्टेटमेंट है उसके क्या क्या यहाँ पर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो पहले पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी बोल सकते हैं इंक्रीमेंट होगी ना इसके अंदर जो प्रो वुमेन प्रोग्राम्स हैं उनमें बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिला है तीन लाख ,00 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर बोल सकते हैं अलोकेशन है और 2024-25 में पहली बार जो जेंडर बजट है वो जी का एक पहुंच चुका है तो देर इज एन इंक्रीमेंट इन जेंडर बजट एज वी कैन सी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए क्या रह जाता है कि जो भी प्रो वुमेन मतलब जो महिलाओं के समर्थक जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका अलोकेशन यहाँ पर एवरेज जो पाँच परसेंट हुआ करता था उससे अब छः पॉइंट आठ परसेंट पूरे बजट का ओवरऑल बजट बजट का करीबन छः पॉइंट आठ परसेंट यहाँ पर फंड्स यहाँ पर सपोर्टिंग वुमेन जो है वो बढ़ चुका है दूसरा अगर हम बात करें तो हमने रिपोर्टिंग फॉर्मेट जैसा कि मैंने आपको बताया पार्ट ए और पार्ट बी जिसमें बजट अलोकेशन की बात की जाती थी फॉर वुमेन अब पार्ट सी भी ऐड किया गया है जिसके अंदर पीएम किसान स्कीम प्रधानमंत्री जो किसान योजना है यहाँ पर विच इंक्लूड्स थर्टी परसेंट कम से कम तीस परसेंट का अलोकेशन वुमेन के लिए किया गया है और इसी जेंडर बजट को जो हम कॉम्पोनेंट देखते हैं उसके थर्ड पार्ट सी पार्ट का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है जैसा कि हमने देखा तो ये हाइलाइट्स हैं इस बात के जेंडर बजट सर्वे 2024-25 अगर देखना चाहे तो जो पार्ट ए है जिसमें हमने देखा कि 100 जो अलोकेशन है वो पूरी तरीके से नो किसके लिए है महिलाओं के लिए जो विशिष्ट योजनाएं हैं उनके लिए चल रहा है तो यहाँ पर जो आप हाइक देख सकते हो कि 21 बाईस में 16 16% के लगभग और फिर एकदम से वो आज कितना हाइक पहुंच चुका है तेबीस चौबीस में करीबन 40 के लगभग तो ये हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एलोकेशन हो रहे हैं पार्ट ए के अंदर राइट वो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से यहाँ बढ़ रहे हैं सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अब और कुछ ऐसे प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ने लिए हैं तो ऑफकोर्स जेंडर बजट सेल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने क्या किया है कि जेंडर बजट इस तरह के सेल्स का निर्माण किया जाए सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री में ताकि इस प्रोसेस को हम बहुत आसान तरीके से सब जगह से डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रीमलाइन कर पाए दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है क्लियर और दूसरी चीज की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चला रही है जिससे वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है सेकेंड अगर हम देखें कि फ्रेमवर्क क्या होता है जेंडर बजटिंग का तो इसके अंदर जो फ्रेमवर्क है उसमें पांच पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस मतलब स्थिति विश्लेषण सीधा सा मतलब है कि आपको ये पता करना है कि यहाँ पर जितने भी जेंडर्स हैं जेंडर ग्रुपिंग जो होती है किसी भी क्षेत्र में विभिन्न लिंग समूह हाउ दे आर परफॉर्मिंग वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं पॉलिसी असेसमेंट का मतलब होता है कि जो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है क्या उसके हिसाब से हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्या वहाँ पे जो जेंडर रोल है उनके कंसर्न्स को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे तीसरा बजट एवेल्युशन इसका सीधा सा ये मतलब है कि जो अलोकेटेड अमाउंट है क्या वो उस सेक्टर में उस प्रोग्राम में अलोकेशन सही तौर से हो रहा है या नहीं हो रहा है चौथा मॉनिटरिंग कि जितना आपने पैसा यहाँ पर लिया है इनपुट दिया है क्या उसका कोई आउटकम भी आ रहा है किस तरह से वो विमेन को अदर जेंडर्स को वहां पर अफेक्ट कर रही है तो ये पांच पॉइंट से यू you नो know, पूरा जो जेंडर बजट अलोकेट होता है उसका यह यहाँ पर हम देखते हैं अब जेंडर बजट क्यों जरूरी है इज सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटी या वुमेन पहली बात तो रिसोर्स अलोकेशन देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं राइट उनका सही तौर पे इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना और जिन्हें जरूरतमंद है उन तक ये चीज पहुंचना राइट तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिससे जेंडर डिस्पैरिटी भी यहाँ कम होती है एनकरेज एस जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनमें जो पांचवा गोल है दैट इज इक्वालिटी राइट यहां पर अगर हम बात करें जेंडर इक्वालिटी की तो यहां पर इन सब तरीकों से हम ये चीज अचीव कर पाएंगे जो हमारे 2030 तक के टारगेट हैं अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बूस्ट होती है राइट जेंडर इक्वालिटी हम इंश्योर कर पाते हैं गवर्नेंस कैसे गवर्नेंस के आप देखते होंगे कि आपके भी जितनी भी पॉलिसीज हैं आप चाहे वो लेजिस्लेचर में हो चाहे ग्रास रूट लेवल पे पंचायत हो उनमें जितना ज्यादा वुमेन का इंक्लूजन रहेगा पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में उतनी ही इफेक्टिव तौर से हम आगे बढ़ पाएंगे तो इंक्लूसिविटी यहाँ पर बूस्ट होगी पर इससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस या इश्यूज भी हैं मेजर चैलेंजेस में दो चैलेंजेस आते हैं ओवर रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग ओवर रिपोर्टिंग की बात करें तो जेंडर बजट स्टेटमेंट में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना योजन, रोजगार योजना है दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वहां पर बहुत एग्जैजरेटेड अमाउंट्स यहाँ दिखाया जाता है मतलब अगर 40 परसेंट ओवरऑल एलोकेशन का 40 परसेंट है या कुछ करोड़ में जो अमाउंट है वो किसी भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यहाँ अलोकेट किया जाता है मतलब डिफाइन किया जाता कि इतना अमाउंट अगर हम स्कीम में प्रोग्राम में अलोकेट कर रहे हैं तो ये किसी किस के लिए है। मतलब क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा रोल होता है और जेंडर बजट में जो अलोकेशन हो रहा है नहीं किया जाता कि क्यों है इतना अमाउंट या किस परपज से है इनमें हम कितना अलोकेशन उस तरीके से कर पाएंगे दूसरा है अंडर रिपोर्टिंग

क्लैरिटी नहीं होती इत इस वेरी कि कितना अमाउंट हम इधर इस योजना में दे रहे हैं राइट फिर जो नरेगा स्कीम है जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसमें भी रिपोर्ट किया गया है कि जो पार्ट बी है विध ओनली थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ इट्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर राइट ये यहाँ पर एक्सपेंड या फिर अलोकेट किया जाता है बल्कि नरेगा स्कीम के अंदर अगर हम देखें तो करीबन साठ प्रतिशत महिलाएं वहां पे काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग और ओवर रिपोर्टिंग की जाती है जो स्पेसिफिक नीड है या ऑब्जेक्टिव है उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट नहीं किया जा रहा है सो so, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये चैलेंजेस हैं साथ ही में बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पे निगलेक्ट भी किया जाता है जैसे वेमेन के लिए जो सिक्योरिटी है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वाटर कलेक्शन है ये सारे सेक्टर्स को या इग्नोर किया जा रहा है अब अगर हम बात करें तो क्या इसके यू नो व्हाट इज द वे अहेड या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि रिपोर्टिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है तो स्पष्टीकरण नहीं है मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है राइट right? बहुत अनॉनिमस है हमें नहीं पता कि किस तरीके से अमाउंट एलोकेट हो रहा है और कहाँ पर मिस एक्सपेंडिचर कर रहा है दूसरा अगर हम बात करें तो जस्टिफिकेशन नहीं है ऑडिटिंग की कमी है यहाँ पर ठीक है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं सिंपलीफाई कर सकते हैं साथ ही में अगर हम बात करें तो जो थर्ड पार्ट यहाँ पर जोड़ा गया है वो अगर हम बात करते हैं तो दैट इज यू नो दैट हैज लेट टू अ ग्रेट बूस्ट ये भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इस तरह के हम स्टेप्स ले सकते हैं और अगर हम बात करें तो हमें कुछ साइंटिफिक और मैथोडो मैथोडोलॉजिकल यू नो अप्रोच को फॉलो करना चाहिए जिसमें हमारे क्वालिटेटिव या क्वान्टिटेटिव अप्रोचेस जो हम सैम्पलिंग के लिए यूज़ करते हैं या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इस तरह के तरीके तो साइंटिफिक अप्रोच हम यहाँ पर अडोप्ट uh, कर सकते हैं ताकि कोई बायसनेस या फिर डेटाज़ में कोई भी कमी फिर यू नो अनइवननेस ना हो और आखिर में अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम ओवरऑल वुमेन के साथ